हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप देख रहे हैं डीजे सिस्टम चैनल यूट्यूब पे और मैं हूं आपका दोस्त अजय। दोस्तों, ये डीजे एम्पलीफायर है 2 चैनल का, 5 कोर कंपनी का, और इसका मॉडल नंबर है 5CA18। तो ये प्रोफेशनल डीजे एम्पलीफायर है और इसके अंदर 2 चैनल होते हैं जो 4 ओम पे 1800 वाट और 2 ओम पे 2200 वाट एक चैनल से आउटपुट देता है। और ये है इसका पावर ऑन ऑफ स्विच, इसको पुश करने से ये ऑन हो जाता है, स्टार्ट करने पर ये स्टैंड बाई मोड में रहता है, और फिर धीरे धीरे इसके जो प्रोटेक्ट वाली एलईडी हैं रेड कलर वाले, ये ऑफ हो जाएंगे और ये एक्टिव मोड में आ जाता है। तो अभी ये रेड एलईडी जल रहा है और अब बंद हो गया, अब ये सेट एक्टिव हो गया है, ऑन हो गया है। तो इसमें ये पंखा लगा है इसके बैक साइड पे, और 2 पंखे लगे हैं दोनों मॉड्यूल के लिए अलग अलग, और ये फ्रंट पे जो जाली बनी है इधर से हवा निकलेगी, जो गर्म हवा इसके अंदर होगी वो इधर निकलेगी सामने की तरफ। तो ये इसके मास्टर हैं चैनल 2 का, और ये चैनल 1 का मास्टर है, और ये स्टैंड बाई का पुश बटन है जो सेंटर में पावर के साथ लगा है। और ये है इसका बैक साइड जहाँ इनपुट आउटपुट सॉकेट लगे हैं। ये स्पीकोन के लिए 3 लगा है सॉकेट, जिसमें सेंटर वाली ब्रिज मोड के लिए अलग से यूज किया गया है इसमें, और ऊपर नीचे दोनों चैनल के लिए हैं। तो ये जो ब्रिज पैरेलल और स्टीरियो सिलेक्टर स्विच है, इसको आप ऊपर ब्रिज मोड में करके स्पीकॉन सॉकेट जो ब्रिज वाली है इसमें आप लगा सकते हैं। ब्रिज यूज करने से दोनों चैनल एक हो जाते हैं और दोनों चैनल के प्लस प्लस वाले पॉइंट इसमें कनेक्शन इनका हुआ रहता है। तो ये इनपुट में आप मेल और फीमेल दोनों तरह के XLR यूज कर सकते हैं। और सेंसिटिविटी जो है इसका, बस इतना समझ लीजिए कि एक तरह से लो हाई का काम करता है। और ये टर्मिनल है, अगर स्पीकॉन वगैरह आपका ख़राब हो जाए तो आप यहाँ से डायरेक्ट स्पीकर में या अपने बेस में तार लगा सकते हैं। 25 एम्पेयर का फ्यूज होल्डर लगा है, इसके अंदर फ्यूज है जो 25 एम्पेयर का, और उसके नीचे पावर केबल है। और ये पंखे लगे हैं, ये दाहिनी तरफ का है, ऐसे एक बाईं तरफ लगा है, ये हवा सामने की तरफ फेंकता है। तो बाकी जैसे आम डीजे एम्पलीफायर होते हैं वैसे ये भी है। तो अब दिखाते हैं इसके अंदर के पार्ट्स। इसमें 12 इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर लगे हैं जो काफ़ी बड़े बड़े हैं, ये 15,063 वोल्ट के हैं, आप देख सकते हैं इनकी वैल्यू। और ये इसका मेन पावर ट्रांसफार्मर है। और अब आपको दिखाते हैं जो स्टैंड बाई मोड के लिए रिले और ट्रांसफार्मर छोटा सा लगा है, ये इसका मॉड्यूल है चैनल 1 का। इस मॉड्यूल में SMD का प्रयोग किया गया है, यानी जो छोटे छोटे ट्रांजिस्टर और रेजिस्टेंस होते हैं, हालांकि इसमें 5200, 1943 और कुछ MOSFET भी प्रयोग में किया लाया गया है, लेकिन SMD की वजह से थोड़ा रिपेयर में इसमें दिक्कत आती है, बाकी ठीक ठाक। और अब आपको इसको चला के दिखाते हैं। ये इसकी पावर सप्लाई है जो आप देख रहे हैं पूरी कंप्लीट। तो अब इसको चला के दिखाते हैं, ये चैनल 2 है, और इसको ऑन करने से आप देखेंगे ग्रीन सिग्नल ऑन होगा। अभी ऑफ किया था दोबारा तो प्रोटेक्ट LED जली थी, अब ये ऑन है इस टाइम, और ये सिग्नल ग्रीन कलर का जो LED लगा है आउटपुट सिग्नल दे रहा है, वॉल्यूम के साथ ही घटता बढ़ता है। ये चैनल 1 है और ये A चैनल का ग्रीन सिग्नल आप देख रहे हैं। तो इस तरह ये काम करता है, और वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें। ये 40,000 के करीब आता है। नमस्कार।